जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला गया थर्ड T20 मुकाबला, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज करी और इस सीरीज में अब कहीं ना कहीं अपनी वापसी का संकेत दे दिया है। आप सभी को बता दें दोस्तों, बात कर रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 T20 मैचों की सीरीज के बारे में, जिसकी शुरुआती 2 मैच लगातार जीतकर बांग्लादेश की टीम ने हर किसी को हैरान कर दिया और ये साबित कर दिया कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम से बचकर रहना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान, वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान कमाल करके दिखाया था और अब न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हो रही है T20 की, उसमें भी इन्होंने दमखम दिखाया ही। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की शानदार वापसी हुई, जहां पर उनके गेंदबाज और बल्लेबाज सभी ने मिलकर अपने योगदान के दम पर टीम की वापसी तय की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे T20 की मैच के दौरान मैदान पर क्या कुछ घटा, कैसे रनों से पिछड़ गई बांग्लादेश और मैच 76 रन पर क्यों ऑल आउट हो गई। तो सबसे पहले दोस्तों यहां बात करते हैं प्लेइंग 11 की। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में मोहम्मद नईम, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्ला जो कप्तान है, आफिफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान देखने को मिले। ये प्लेइंग 11 दमदार दिख रही है और यही प्लेइंग 11 हो सकती है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप तक नजर आए। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें से कई बड़े ऐसे नाम है जो मिस हैं, जिसमें दोस्तों ट्रेंट बोल्ट हो गए, कैन विलियमसन हो गए, कई और नाम भी हैं। आप मान लीजिए कि जैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका की हाल ही में सीरीज हुई थी, जिसमें शिखर धवन की कप्तानी में सारे नए प्लेयर गए थे श्रीलंका मैच खेलने के लिए, तो कुछ इसी समय न्यूजीलैंड का वही हाल है। इनकी ये सेकंड टीम एक तरीके से मान लीजिए, ज़्यादातर इसमें सभी नए खिलाड़ी हैं। जो नाम आपको बताएंगे वो नाम आपने शायद पहले कभी सुने भी ना हो, जिसमें प्लेइंग 11 थी फिन एलन, सचिन रविंद्रा, विल यंग, टॉम लैथम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडन, कोले मैकवेई, स्कॉट कलिंस, एजाज पटेल और जैकॉब डॉफी। ये दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 थी, जिसमें कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर टॉम लैथम, जिन्होंने पिछले मैच में भी एक कप्तानी पारी खेली थी लेकिन टीम मैच नहीं जीत पाई थी। अब दोस्तों ढाका के इस मैदान पर शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों 128 रन पर ही सिमट नहीं पाई, क्योंकि 20 ओवर के खेल समाप्त हो गया और 128 रन ही बना पाई। जहाँ फिन एलन और रचिन रविंद्रा शुरुआत में अच्छी पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिन जो 10 गेंदों पर 15 रन की पारी खेल रहे थे, मुस्तफिजुर ने उनका विकेट लिया, कैच पकड़ी महमदुल्ला ने। अगर फिन एलन यहां पर 10 से 20 गेंद और खेल जाते तो वो बहुत तेजी से पारी खेल रहे थे, 150 के स्ट्राइक रेट तो था ही, उसके आगे 200 का होने में इनको देर नहीं लगती, तो फिन एलन का विकेट बहुत कारगर रहा। दूसरे ओवर की यह पहली ही गेंद थी जहां 16 रन पर फिन एलन का विकेट खो दिया था। रचिन रविंद्रा और विलियंग के बीच अब पार्टनरशिप देखने को मिली दोस्तों छोटी सी, 46 रन तक दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बनी, लेकिन 6 ओवर की 4 गेंद पर विलियंग भी 20 गेंदों में 20 बनाकर सैफुद्दीन के हाथों आउट हुए LBW। 3 गेंद 3 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए थे, लेकिन दोस्तों ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसी ओवर में कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो आए ही थे बल्लेबाजी करने के लिए, बिना खाता खोले ही सैफुद्दीन की गेंद पर आउट हो गए। जहां 6 ओवर की 4 गेंद पर विलियंग को आउट किया था, वहीं 6 ओवर की 6 गेंद पर कॉलिन डी ग्रैंडहोम को 46 रन के ही निजी स्कोर पर चलता कर दिया टीम के। तो जिसके बाद दोस्तों टीम मुसीबत में आ गई, 46 रनों के अंदर 3 विकेट गिर चुके थे और टॉम प्रथम कप्तान जो कप्तानी पारी के लिए पिछले जाने गए थे वो अब यहां पर आए, वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और यहां पर 9 गेंदों पर 5 ही रन बनाया था टॉम लैथम ने। मेहदी हसन ने उनको चलता किया और कैच भी मेहदी हसन ने ही पकड़ी थी। इसके बाद हेनरी निकोलस और टॉम ब्लंडन के बीच दोस्तों एक पारी देखने को मिली, लेकिन उससे पहले हमने देखा किस प्रकार से यहां पार्टनरशिप इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त रही। हेनरी निकोलस ने 29 गेंद में 36 रन बनाए 3 चौके की मदद से और 30 गेंदों में 30 रन बनाए टॉम ब्लंडन ने। आप सभी को बता दें दोस्तों ये पिच वैसे तो बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा नासाज नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जिस प्रकार से यहाँ पर टैलेंटेड बल्लेबाज यानी कि जो फिनिशर कह सकते हैं हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडन, इन सभी ने अच्छी पारी खेलकर टीम को एक मजबूती दिलाई। और जब लास्ट विकेट आया था वो 62 रन पर आया था टॉम लैथम के रूप में, 62 रन के बाद दोस्तों यहाँ पर 125 रन तक की पार्टनरशिप, 128 रन तक गई पार्टनरशिप, जहाँ पर देखा जाए 50 रन से प्लस की पार्टनरशिप टीम के लिए कारगर रही। और विकेट की बात करी जाए तो मेहदी हसन ने 1 विकेट, मुस्तफिजुर ने 1 विकेट, सैफुद्दीन ने 2 और महमूदुल्ला ने 1 विकेट लिए। शाकिब अल हसन ने 4 ओवर कराए, 24 रन दिए लेकिन विकेट उनके खाते में नहीं आया। 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का फर्स्ट इनिंग के दौरान स्कोर था। अब यहां पर 129 रन दोस्तों चेस करने थे बांग्लादेश की टीम को अपने इस शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका के मैदान पर, लेकिन शुरुआत में मोहम्मद नईम और लिटन दास बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां 19 गेंदों में 13 रन बनाकर रचिन रविंद्रा के हाथ आउट हुए मोहम्मद नईम
और लिटन दास भी दोस्तों 11 गेंदों में 15 रन बनाकर मैकोनी के आउट हुए 3 चौके मारकर। उसके बाद मेहदी हसन का विकेट आने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, 4 गेंदों में 1 ही रन बनाया था मेहदी हसन ने। एजाज पटेल ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया। शाकिब अल हसन दोस्तों बिना खाता खोले ही लौट गए वापस, एजाज पटेल ने उसी ही ओवर में दोस्तों इनका विकेट लेकर इनको भी चलता कर दिया था। वो तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मेहदी हसन और तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर शाकिब अल हसन का विकेट लिया। और दोस्तों ये नहीं था कि यहां पर कि चलो विकेट का सिलसिला रुक जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों मुशफिकुर रहीम आए बल्लेबाजी करने के लिए जो नाबाद रहे, लेकिन नाबाद कैसे रहे वो भी आपको बताते हैं। अब दूसरे छोर से इनका साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज टिका ही नहीं था। महमूदुल्ला आए यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए, एजाज पटेल ने इनका भी विकेट ले लिया, 3 ही रन बनाए थे 7 गेंदों में। आफीफ हुसैन आए बल्लेबाजी करने के लिए, पहली ही गेंद पर यहाँ पर एजाज पटेल ने उनको भी चलता कर दिया। अब हैट्रिक बॉल पर थे लेकिन हैट्रिक तो कंप्लीट नहीं हो पाई यहाँ पर एजाज पटेल की। नूरुल हसन बल्लेबाजी करने के लिए आए, 11 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाया था, मैकोनी ने उनको चलता कर दिया। 11 गेंदों में 8 रन मोहम्मद सैफुद्दीन ने बनाया। नसूम अहमद ने 5 गेंदों में बिना खाता खोले कुजलैंसी की हाथ आउट हुए और 10 गेंदों में 4 रन बनाकर कोल इंडी ग्रैंड होम ने ली मुस्तफिजुर रहीम की इस मैच की आखिरी विकेट। मुस्तफिजुर रहमान को भी चलता कर दिया और कुल मिलाकर दोस्तों मुशफिकुर रहीम अकेले 37 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद खड़े रहेगा दूसरे छोर पर। और ये पूरा मैच 19.4 ओवर तक चला जहां पर महमूदुल्ला और बाकी सभी दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप साबित दिखे। मुशफिकुर रहीम ने भी 37 गेंद खेली लेकिन 20 ही रन मार पाए और टीम दोस्तों यहां पर पहुंच पाई सिर्फ 76 रन तक और 200 विकेट गिर चुके थे। कुछ इस तरीके से 52 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा यहां बांग्लादेश की टीम को। एजाज पटेल ने दोस्तों 2 लगातार विकेट लेकर पूरा मैच ही बदल दिया था। एजाज पटेल ने पहले दोस्तों विकेट लिया था मेहदी हसन और शाकिब अल हसन का, उसके बाद महमूदुल्ला और आफीफ हुसैन का विकेट लेकर अपने खाते में कर लिया था मैच। 4 ओवर में 16 रन देते हुए 4 विकेट झटके कोहली मैकोनी ने 4 ओवर में 15 रन देते हुए 3 विकेट। रचिन रविंद्रा स्कॉट कोल इंडी ग्रैंड होम के खाते में भी 1-1 विकेट रहा। तो कुल मिलाकर बात यह रही कि जो फिनिशर ने लास्ट में दोस्तों 50 रन से प्लस की पार्टनरशिप खेली थी हेनरी निकोलस और टॉम ब्लंडल ने, वो पारी काम आई। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर पारी काम आई गेंदबाजी में एजाज पटेल और कोहली की, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत में विकेट लेकर टीम का मजबूत पक्ष दिला दिया था और जीत तय कर दी थी 10 ओवर के बाद ही, क्योंकि 10 ओवर के बाद ही लग रहा था कि मैच अब ये पूरी तरीके से आ चुका है न्यूजीलैंड की झोली में। क्योंकि 6-7 विकेट अगर आप 10 ओवर तक खो देते हैं T20 में तो उसके आगे आपके लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि एक तो रिक्वायर्ड रन रेट बड़ी तेज़ी से भागता है, उसके बाद दिक्कत ये होती है कि टैलेंडर उतनी तेज़ी से रन बना भी नहीं पाते। बात करें दोस्तों अभी तक हुए 3 मुकाबलों की, तो पहला मुकाबला दोस्तों जो हुआ था उसमें दोस्तों यहां पर 60 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड को, जहां 7 विकेट से जीत हासिल करी थी बांग्लादेश की टीम ने। दूसरे T20 मुकाबले में दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने क्लोज मुकाबले में 4 रन से जीत दर्ज करी थी, जो अपने आप में ही बेहद शानदार रहा था। आखिरी गेंद तक वो मैच गया था, बहुत शानदार रहा था, जिसमें कोल इंडी ग्रैंड होम और ये सब दोस्तों नाकाम रहे थे, लेकिन कप्तान ने कप्तानी पारी ज़रूर खेली थी दोस्तों टॉम लैथम ने, नाबाद 65 रन की पारी। अब तीसरे दोस्तों T20 में दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी से इतना कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन गेंदबाजी में ज़रूर कमाल दिखाया। लेकिन ये जो ढाका का मैदान दिख रहा है ये ज़्यादा दोस्तों यहाँ बल्लेबाजी पक्ष के लिए नहीं नज़र आ रहा है। अब बचे हुए 2 T20 की बात करें तो 8 सितंबर ठीक 3:30 बजे दिन से लाइव देखने को मिलेगा, और पाँचवा जो है दोस्तों वो भी आपको देखने को मिलेगा 10 सितंबर को। तो दोनों ही मुकाबले निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अगला बांग्लादेश जीतती है तो सीरीज बराबरी पर खड़ी हो जाएगी, या सीरीज जीत जाएगी बांग्लादेश माफ कीजिएगा, और अगर यहां पर जीतती है न्यूजीलैंड की टीम तो बराबरी पर। आखिरी फिर होगा नतीजा जीत का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।